माँ तुसी किथे जा रहे हो? अपने पुत्र ते नून नहीं हो? ते ने जिन्हां ने मेरी चिखा नू अग लाण दी जिम्मेवारी ली, जिन्हां ने मेरा दुख सुख वंडाउण दा फैसला कीता, मेरे कलपुणे नू इक नाम दिता, ते मैं इन्हां नाल व्याह करन दा फैसला कर लिया। मां मैं कुछ कहना चाहना। पुत हुण सिर्फ मैं बोलांगी, क्योंकि इस घर दी मालकण मैं हां। ये सारा कुछ घर पिछे तो हो रहा है, ताही तां सानूं कुछ दस्या नहीं, कुछ पूछा नहीं। पुछण ते कहण दा हक तुसी दोनों जने हुण गवा चुके हो। हुण ये सारे हक सिर्फ ते सिर्फ धर्मपाल नूं। ते रही गल घर दी, तां ये घर मेरे सहुरे दा सी। उसकी मौत तो बाद मेरे घर वाले दा, ते ओदी मौत तो बाद मेरा। मेरी मौत तो बाद एक घर तेरा, पर मैं हले जिंदी हां। नाले तुसी मेरी किन्नी फिक्र कीती हां? मैं हर वेले फोन दी उड़ीक करती रहती, पर हुण तां सुपने दे विच भी फोन दी घंटी सुनाई दिंदी। ते जेड़े कदे फोन करन लई समा नहीं कढ़ सके, अज अमेरिका तो इन्ना लंबा सफर तय करके इंडिया आए ने। मेरी फिक्र लई नहीं, इन्हां नूं ये डर सी कि किते मेरे बनदे हक मैं तुहाडे हिस्से ना कर दे ते तुसी बदनाम हो जाओ। मां सच्चाई ये है कि ये उम्र ब्याह करन दी नहीं। ओ हां, हंजू वहाण दी, लड़न लई है अपने लिए, बीमारी दे विच कराउण दी है, खंगण दी है ना बेटा? एक गल याद रख, जे मां सा लेना सिखा सकती है ता उनू अपने आप नू भी सा लेने दा हक है, नहीं तो हंजू ते इंतजार होदा साह कुट देंगे, ते मैं साह लैण दा फैसला कीता है। पर एक गल ना भुलो, पुत दा खून सफेद हो सकता है पर मां दा नहीं। तुहानूं लगदा है कि मैं तुहानूं भुल गई हां? नहीं, तुसी भूल सकते हो पर मैं नहीं। देखना चाहते हो? आओ, हां मैं तेनू दिखाई हां। आ गहने, आ सारे गहने मैं की करने हैं, सब मेरे बाद तेरे ही ने। हा LIC दे पेपर सिर्फ एदे नाम नहीं, तेरे नाम भी है, क्योंकि मैं तेनू कदी अपनी नूह नहीं समझा, हमेशा ती समझा। IFD ए भी तुहाडे दोनों दे नाम ते। हाँ पता की है, इस घर दे पेपर्स ने। तू कहंदी सी ना कि धर्मपाल मेरे नाल सिर्फ इस करके ब्याह करवाना चाहुंदा है क्योंकि वो एक घर हड़पना चाहुंदा। घर दी लक्ष्मी उस घर दी नूह हुंदी है, ते घर हमेशा उस लक्ष्मी दा ही हुंदा है। पेपर मैं तेरे नाम कर दिते हैं। इन्हां दे घर ते बाकी सारी चीजां ते सिर्फ तुहाडा हक है, मैनू सिर्फ रविंदर जी दा साथ चाहिदा।
हुण तुहानूं मेरी कोई लोड़ नहीं। मैं अपने सारे फर्ज निभा दित्ते। तुसी मैनूं किसे किस्म दी कोई शिकायत नहीं कर सकते। ते मैं हुण धर्मपाल दे नाल जा रही हां। असीं दोवें व्याह कर रहे हैं ते मैं इहनां नूं अपने घर लै जावांगा। इहनां दा सारा पैसा तुहाडे अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। मैनू रविंदर जी के बीते कल नाल कोई मतलब नहीं। चल चलिए। मैं तो तुहानू लोकां नू कदी भुला नहीं सकांगी, पर तुसी मैनू जरूर भुला देना। ये समझना कि तुसी मेरा अंतिम संस्कार कर दिता। दादी तुसी किधर जा रहे हो? अपने घर। फिर एक घर? एक घर, एक घर तेरे मम्मा पापा दा बेटा। हां जी, तुहाडे नाल कौन है? साडे नाल असी। हां, आ साइन करो जी। मैं इहनां दा पुत्तर। दसो किथे साइन करने है बाबा जी? आ इत्थे कर दो जी। बहुत बहुत बधाइयां होण जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल। सानू माफ कर दो, असी शर्मिंदा। तुसी कुछ ना भी हुंदे होए सारे रिश्ते निभाए ने। प्यो ना भी हुंदे होए प्यो दे सारे फर्ज पूरे कीते ने। तुसी हमेशा मैनू अपनी धी समझिया, पर मैं कदी तुहानू अपनी मां नहीं समझ सकी। अपने घर चलो। व्याह तो बाद विदाई की रस्म होंगी, दुल्हन अपने सारे घर जाती है। मैं भी यह रस्म निभानी चाहना। मैं रविंदर नू अपने घर लेके जाना चाहना। हुण तां कॉलेज तो भी मैनू घर मिल गया। हर बार एक मां अपनी धी नू विदा करती है, पर अज एक सस नू उहदी नू विदा करेगी। नोनी धी, आज तो बाद मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुहाडी नूं सी। मैनू माफ कर दिओ ते अपने घर चलो। नहीं बेटा, तुसी ते जो कीता बहुत चंगा कीता, ताही ते अज मैं फैसला ले सकी। धीए, औरत दी जिंदगी कदी खत्म नहीं हुंदी। ओ उम्र दे किसे भी पड़ा ते जिंदगी दी नवी शुरुआत कर सकती। चलिए चल चलिए।